नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। 30 जनवरी के दिन ही साल 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार पूरे विश्व के लिए पथ प्रदर्शक बन रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में भारत की आजादी के लिए तो लड़ाई लड़ी ही, इसके साथ ही विश्व के अन्य कई देशों को भी आजादी और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। इसी दिन बापू की पुण्यतिथि पर पूरा विश्व उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर उनके विचारों को लिखा है। उन्होंने लिखा कि सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वो आत्मनिर्भर है। बापू की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस कृतज्ञ राष्ट्र को और से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज के दिन शहादत को प्राप्त हो गए थे। हमें उनके बताए हुए शांति, अहिंसा, सरलता, शुद्धता और मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आइए हम सब उनके बताए सत्य और प्यार के रास्ते पर बढ़ने का संकल्प लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।